स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो क्लास था हमारा वो कौन सा था, एम्फीबिया। ओके, हमने टेट्रापोडा स्टार्ट किया था और उसका क्लास हम लोगों ने एम्फीबिया डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट जो अगला क्लास हमारा है वो क्या है, रेप्टिलिया। और रेप्टिलिया का आप लोग याद करो, ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको हम लोग बोल सकते हैं दे आर द क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप ऑफ इंडिविजुअल। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं रेप्टाइल्स आर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो क्रीपिंग और क्रॉलिंग करते थे ये, इसीलिए हमने इनको क्या बोला, दे आर द क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप ऑफ इंडिविजुअल। दूसरी बात, इनका अगर हम देखें हैबिटेट, देखें रहने वाला इनका जो स्थान है या जगह है वो कौन सी है, तो हम लोग देखेंगे बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन टेरेस्ट्रियल रीजन। ओके, उसके अलावा अगर हम देखें आल्सो इन एक्वेटिक रीजन। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा। अब एक्वाटिक में भी ये कहाँ रह रहे थे, फ्रेश वाटर में भी थे और जो है आपका मराइन वाटर में भी थे। तो ये बात भी याद रखना आप लोग, फ्रेश वाटर एंड आल्सो इन मराइन वाटर, है ना। ठीक है, क्लियर है। आगे बेटा हम लोग देखेंगे इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी है। तो हम लोग देखेंगे यहां पर पेंटाडेक्टाइलस क्या होगा, पेंटाडेक्टाइलस फोर लिंब एंड हाइंड लिंब। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनका हम लोग देखें, पेंटा मींस होता है फाइव, डेक्टाइलस मतलब फिंगर। ठीक है, तो इनके फोर लिंब या जो है अगर हाइंड लिंब की बात करें तो आप लोग देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते हो आप लोग लिजर्ट, इसका अगर देखें एक कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरीके का हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द पेंटाडेक्टाइलस। क्या बोलेंगे, पेंटाडेक्टाइलस, यानी कि पांच उंगलियों का होना वो क्या कहलाएगा, पेंटाडेक्टाइलस। क्लियर है। दूसरी बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, वो कौन सी है, दे आर कोल्ड ब्लडेड। कैसे इंडिविजुअल्स थे, कोल्ड ब्लडेड, या इनको हम लोग क्या बोल रहे थे, दे आर द पोइक्लियोथर्मी। या हम लोग इनको क्या बोल रहे थे, दे आर द एक्टोथर्मिक। ठीक है, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते थे, यानी कि उनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दियर इन्वायरमेंट रहता था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो इंडिविजुअल कैसे होंगे, कोल्ड ब्लड या पोइक्लियोथर्मिक या एक्टोथर्मिक होंगे, है ना। आगे बेटा बात करते हैं इसके बाद में जो है वो क्या है, जो इनमें क्रैनियल नर्व्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रैनियल नर्व्स को हम नहीं भूलेंगे। क्रैनियल नर्व्स जो थी वो कितनी थी, यहां पर 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स थी। कितनी थी, 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स। और क्रैनियल नर्व्स आप लोग याद करो कहां से निकलती थी, क्रैनियल नर्व्स हमने बोला था ये क्या है, हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग बोले थे ब्रेन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, याद आया ना, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्टिब्रेट जब स्टार्ट किया था। तो यहां जब ब्रेन से निकलेंगी, क्रेनियम मतलब क्या होता है, क्रेनियल मतलब ब्रेन, तो ब्रेन से जो, ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगी जो आपकी जो है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द क्रैनियल नर्व्स। और जो स्पाइन से निकलेंगी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द स्पाइनल नर्व। तो दोनों याद रखना आप लोग, CNS में कौन कौन सा आपका, क्रैनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। तो यहां पर क्रैनियल नर्व की बात करेंगे क्योंकि वर्टिब्रेट्स में अलग अलग नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स हैं। ठीक है, किसी में 8 पेयर हैं देख रहे हैं हम पीछे से, किसी में 10 पेयर हैं, किसी में 12 पेयर हैं, क्लियर है ना। तो यहां पे जो नंबर ऑफ होगा आपका क्रैनियल नर्व्स वो कितना होगा, 12 पेयर होगा, क्लियर है। दूसरी बात,
स्केल्स भी यहां पर प्रेजेंट होंगे, तो हम लोग लिख लेंगे स्केल्स आल्सो प्रेजेंट इन द बॉडी, है ना। तो बॉडी के ऊपर इनके स्केल भी हमको देखने को मिलेगी, क्लियर है। आगे बेटा डिस्कस करते हैं हम लोग और जो इनकी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में। तो जो रेप्टाइल्स थे इनमें डाइवर्सिटी भी बहुत था, कुछ इंडिविजुअल्स कहाँ रह रहे थे, लैंड रीजन में, कुछ डिजर्ट रीजन में रह रहे थे, है ना, कुछ जो है एक्वाटिक रीजन में रह रहे थे। तो अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग जगहों पे प्रेजेंट थे। अब इसके बाद में अगर हम बात करें और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो वो आप लोग लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ लंग्स। और जब लंग्स प्रेजेंट हैं तो ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे किसमें, इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। तो लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग देख रहे थे लंग्स का इवोल्यूशन कहाँ से हो रहा है। अगर हम लोग देखें लंग्स जो है बनना स्टार्ट कहाँ से हुए, पाइसेस से स्टार्ट हो गए थे, लंग फिशेस से स्टार्ट हो गए थे, क्लियर है ना। उसके बाद एम्फीबियंस में भी लंग वेरी डोमिनेटेड टाइप के थे, और वो जो थे लंग्स वो टेस्टियल रीजन में उसको हेल्प कर रहे थे रेस्पिरेशन के लिए। वैसे यहाँ पर भी लंग्स थे और वो क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे रेस्पिरेशन के लिए उनको, क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसके बाद में लंग्स के बाद में हम बात करते हैं इनके हार्ट की। तो हार्ट में बेटा देखेंगे यहाँ पर हार्ट अभी तक आप लोगों ने देखा था वो कैसा था, एम्फीबियंस में 3 chambered, लंग फिशेज में 3 chambered, बाकी फिशेज में 2 chambered। यहां पर मेजॉरिटी जो होगा वो इंडिविजुअल्स का कितना होगा, 3 chambered हार्ट होगा। लेकिन एक इसका और एग्जाम्पल है, वो है क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल में हमको बेटा क्या देखने को मिलेगा, 4 chambered हार्ट। क्या देखने को मिलेगा, 4 chambered हार्ट। यानी कि इनके पास क्या होगा, 2 auricle या 2 atrium एंड 2 ventricle। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग इसके बाद में डिस्कस करेंगे इनकी किडनीज की। तो किडनी बेटा देखेंगे यहां पर, किडनी जो होगा एक पेयर होगा, 1 pair किडनी प्रेजेंट होगा। और इसका अगर हम लोग देखें इवॉल्व कहां से होंगी, तो ये होंगी मेटानेफ्रिक। कैसी होंगी, मेटानेफ्रिक, क्लियर है। अभी तक हम लोग मीजोनेफ्रिक पढ़ रहे थे, प्रोनेफ्रिक पढ़ रहे थे, यहां पर जो है वो कैसी है, मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ते हैं कि किडनी कहाँ से बनती है, जो प्रिमोर्डियल जो पहला जो टिश्यू होता है उसी में 3 parts हम लोग देखते हैं, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। तो मेटानेफ्रिक जो होगा वो किसका होगा, आपका रेप्टाइल का किडनी होगा, क्लियर है इतनी बात। तो नेक्स्ट हम लोग बेटा किडनी के बाद में बात करते हैं जो है मोड ऑफ एक्सक्रीशन। तो मोड ऑफ एक्सक्रीशन में हम लोग देखेंगे यहां पर ऐसा क्लास है जिसमें तीनों तरीके के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं। यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे हैं, दे आर अमोनोटेलिक, दैट मींस दे रिलीजेस नाइट्रोजनस वेस्ट एज अमोनिया। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे वो क्या रिलीज कर रहे हैं, अमोनिया एज दियर नाइट्रोजनस वेस्ट। दूसरा बेटा इसके बाद में अमोनोटेलिक के बाद में यूरियोटेलिक, और यूरियोटेलिक में ये इंडिविजुअल क्या रिलीज करेंगे, दे रिलीजेस यूरिया एज दियर नाइट्रोजनस वेस्ट। एंड लास्ट वन इज द यूरिकोटेलिक। That means the individuals which releases uric acid, okay? तो यहां पे क्या था, अमोनिया जो रिलीज कर रहे थे अमोनोटेलिक बोला, यानी कि ये इंडिविजुअल कहां पर रहेंगे,
वाटर में रहेंगे, तो इनका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो, एग्जाम्पल इनका क्या हो जाएगा, क्रोकोडाइल। ठीक है, यूरियोटेलिक की बात करते हैं, यूरियोटेलिक में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इनका, तो यहां पर हम लिख लेंगे टर्टल एंड एलिगेटर। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल कैसे होंगे, यूरियोटेलिक के हो जाएंगे। अब आते हैं बेटा यहां पर बात करते हैं हम लोग यूरिकोटेलिक की। तो एक्चुअल में ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो बिल्कुल डिजर्ट लोकेशन में रहते हैं या डिजर्ट वाली जगह पे रहते हैं जहां पर पानी ज्यादा नहीं प्रेजेंट होगा, है ना। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास हम लोग देखेंगे वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, तो वो सारे इंडिविजुअल कैसे होंगे, यूरिकोटेलिक होंगे। यानी कि वो क्या करेंगे, एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट दे रिलीजेस द यूरिक एसिड। तो इनमें एग्जाम्पल हो जाएगा स्नेक, है ना, इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्नेक एंड लिजार्ड। तो देखा हमने बेटा कि यहां पे तीनों तरीके के इंडिविजुअल्स देखने को मिल रहे हैं और मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो है बहुत ज्यादा डाइवर्स है। यहां पे अमोनोटेलिक भी हैं, यूरिकोटेलिक भी हैं और यूरियोटेलिक भी हैं। क्लियर है, तो अभी तक ऐसा हम नहीं देख रहे थे, लेकिन ये एक स्पेसिफिक बात है इस पूरे क्लास में कि रेप्टाइल्स में तीनों तरीके के इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे बात करते हैं, इनके अंदर अगर हम लोग देखें तो ये कैसे होंगे, दे आर द मोनोकंडाइलिक। मोनोकंडाइलिक का मतलब क्या था, इनके पास केवल क्या होगा, सिंगल ऑसिपिटल कंडाइल। अब ये सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, दो होंगे तो उनको हम डाइकंडाइलिक बोल देंगे, एक है तो उसको हम लोग मोनोकंडाइलिक बोल देंगे। क्लियर है बेटा, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग इसके बाद में। यहां पे हमको देखने को क्या मिलेगा, क्लोका प्रेजेंट होगा। क्या होगा, क्लोका प्रेजेंट होगा। क्लोका आप लोगों को पहले भी पता है कि क्लोका का एक ऐसा कॉमन चैम्बर है, एक ऐसा कॉमन जगह है जहां पे तीन ओपनिंग जो है वहां पर आके ओपन होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, जैसे इंटेस्टाइनल पार्ट अगर हम बात करें वो वहां पर ओपन होता है, रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट होगा वो ओपन होगा, और तीसरा जो होगा वो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सक्रीटरी वाला पार्ट होगा वो भी इस क्लोका में ही ओपन होगा। तो क्लोका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है रेप्टाइल के केस में। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ टर्टल हैं जिनमें हम लोग देखते हैं क्लोकल रेस्पिरेशन। तो एक ऐसे अकेले इंडिविजुअल हैं जहां पर हमको क्लोका के थ्रू रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है, बहुत ही यूनिक बात है ये। ठीक है, तो इसको भी याद रखना आप लोगों की क्लोकल रेस्पिरेशन कहां प्रेजेंट होगा, तो कुछ जो है क्या होते हैं, टर्टल होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, ये लिख लो आप लोग। ठीक है, अब बेटा इसके बाद में कुछ और बेसिक बातें हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनमें अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें, तो फर्टिलाइजेशन इनका कैसा होगा, इंटरनल, क्योंकि यहां पे हमको देखने को क्या मिलेगा, यहां पर कॉपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, तो यहां पर लिख लेंगे इंटरनल और कॉपुलेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्सेस जो होंगे वो कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, यानी कि मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तीसरा, और ये रिप्रोडक्शन कैसे करते थे, तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस जो होगा उसमें क्या होता है, एग का डेवलपमेंट, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, एग का डेवलपमेंट हो जाता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन।
तो बिना फर्टिलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हो जाएगा एग का, किसमें? आपका एडल्ट में या इंडिविजुअल में, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द पार्थेनोजेनेसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, पार्थेनोजेनेसिस को रेगुलेट कौन करता है? टेम्परेचर वगैरह रेगुलेट करता है, ठीक है। अब बेटा इनके जो है फीडिंग की अगर बात करते हैं हम लोग, थोड़ा देख लो आप लोग, तो ज्यादातर इंडिविजुअल्स जो हैं वो फ्लैश ईटर हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग कुछ कैसे हैं, हर्बीवोरस भी हैं, ठीक है, फ्लैश ईटर हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कार्निवोरस एंड इंसेक्टिवोरस। तो कुछ जो हैं वो कार्निवोरस भी हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा बहुत सारे जो कैरेक्टर्स थे इनमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के भी थे, लंग्स वगैरह अच्छे से प्रेजेंट थे, स्केल्स प्रेजेंट थे, है ना। तो वो सारी बातें हम लोगों ने रेप्टाइल्स के केस में डिस्कस किया। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके केस में एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो क्या है, हम लोग देखते हैं एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बेटा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, याद रखना है आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। वो चार होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो भी मैं लिखे दे रहा हूं यहां पे, आप लोग बस देखते रहिए, अटेंशन बनाए रखिए। पहला जो है उसको हम बोलते हैं एलेंटाइस, दूसरा है यॉर्क सैक, नेक्स्ट कोरियन, और उसके बाद एमनियन। ये चार जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इनके बेसिस पे दो ग्रुप होते हैं इंडिविजुअल्स के, कौन कौन से होते हैं। तो यहां पे हम लोग देखेंगे एक ग्रुप है उसको हम लोग बोलेंगे एमनियोटा। क्या बोलेंगे? एमनियोटा। और दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम लोग बोलेंगे एन एमनियोटा। अब कहोगे सर ये क्या है? तो यहां पे हम लोग देखेंगे जो इंडिविजुअल जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसमें क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, EEM, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये प्रेजेंट है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर द एमनियोट्स। और जिनमें ये अब्सेंट है उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एन एमनियोट्स। क्या बोलेंगे? एन एमनियोट्स। तो इनमें जो क्लासेस हैं वो आपको याद रखनी है, यानी कि ये चारों लेयर यहां पर प्रेजेंट होंगी, तो उस ग्रुप को हम लोग, पर्टिकुलर ग्रुप को क्या बोल देंगे, एमनियोटा। नहीं होंगी तो क्या बोलेंगे, एन एमनियोटा। तो इसमें आप लोग एक बात याद रख लो, ऐसे इसको आप याद रख लो राम, याद रखना है राम। राम का मतलब क्या है? R फॉर रेप्टाइल्स, A फॉर एप्स, M फॉर मैमल्स। तो तीन क्लास ये हैं जो आपको याद रखने हैं, जो कैसे हैं, जो है आपका ग्रुप एमनियोटा में आते हैं, R फॉर रेप्टाइल्स, A फॉर एप्स, M फॉर मैमल्स। जगह नहीं, मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आप पूछ सकते हो सर इनका काम क्या होता है, रोल क्या होता है? तो जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है ना, तो इनका नीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रोटेक्शन एक तरीके से प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको यहीं से देखने को मिलती हैं, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं हम लोग जो नेक्स्ट हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है, क्लासिफिकेशन। कौन सी बात इंपॉर्टेंट है? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का अब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बहुत ही डाइवर्स क्लासिफिकेशन है इसका भी, और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम लोग
आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल्स के क्लासिफिकेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन में देखेंगे हम लोग कैसे कैसे इनको डिवाइड किया गया है ना। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं इनका डिवीजन क्या है। तो हमें पता है ये क्या है, क्लास है। रेप्टिलिया क्या है, क्लास है ना। अब इसको हमने डिवाइड किया सब क्लास में, किसमें, सब क्लास में। सब क्लास इसके अगर हम देखें तो एक होता है एनैप्सिडा, कौन सा है एनैप्सिडा। दूसरा बेटा जो है वो कौन सा है आपका, डायप्सिडा। और बाकी जो थे उनको हम लोग अलग रख देते हैं, बहुत सारे थे इनको हम लोगों ने बोल दिया रिमेनिंग आर एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो बाकी जो बचे हुए थे वो क्या हो जाएंगे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो उनका एक भी इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं है अभी। तो एनैप्सिडा, डायप्सिडा एंड एक्सटिंक्ट, ठीक है। एनैप्सिड्स में हम लोग देखेंगे यहां पर टर्टल वगैरह आते हैं, चिलोनिया या चिलोन्स वगैरह बोलते हैं उनको। डायप्सिडा को हमने, ये एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम दोबारा फिर से देखेंगे। तो इसको हमने क्या किया, सब क्लास के बाद इसको हम डिवाइड कर देंगे ऑर्डर में, किसमें, ऑर्डर में, ठीक है। ऑर्डर इसके हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं डायप्सिडा के। तो पहला जो ऑर्डर है उसको हम लोग बोले रिंकोसिफेलिया, क्या बोला हमने, रिंकोसिफेलिया। दूसरा जो था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वामेटा, क्या बोलेंगे, स्क्वामेटा। और तीसरा जो उसको बोलेंगे क्रोकोडिलिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो ये सब क्लास था है ना उसको हमने डिवाइड किया तीन पार्ट में, ठीक है। और डायप्सिडा को हमने फिर से डिवाइड किया तीन कैटेगरी में। ये ऑर्डर है ये क्या है, रिंकोसिफेलिया, स्क्वामेटा एंड क्रोकोडिलिया, ये सब क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। अब इनको फिर से हमने डिवाइड किया स्क्वामेटा को, और स्क्वामेटा को हमने डिवाइड किया तो ये किस में डिवाइड होगा, सब ऑर्डर में। और सब ऑर्डर में हम लोग देखेंगे बेटा दो इसमें सब ऑर्डर होंगे स्क्वामेटा में, एक होगा उसको हम लोग बोलेंगे लेसर्टेलिया, क्या बोलेंगे, लेसर्टेलिया, ठीक है। और दूसरा जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑफिडिया, क्या बोलेंगे, ऑफिडिया, ठीक है। क्रोकोडाइलिया में क्या आ जाएंगे, क्रोकोडाइल्स आ जाएंगे, ठीक है। रिमेनिंग एक्सटिंक्ट में देखते हैं, तो यहां पर भी बहुत सारे थे, मैं कुछ के नाम लिखे दे रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये पूछा भी नहीं जाता आपसे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कोटाइलोसोरिया, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्कोसोरिया, इसको याद रखना आप लोग, यहां पर डायनासोर्स थे, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लेना एग्जांपल इनके डायनासोर्स, यहां पर आप लोग एग्जांपल लिख लेना साइमोरिया, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अब इनमें देखते हैं एनैप्सिडा, यहां पर एनैप्सिडा में अगर हम लोग देखें एग्जांपल इसका, तो इसका एग्जांपल होता है टर्टल, या ऐसे लिख सकते हो आप लोग चिलोन, चिलोनिया, इसका एक ऑर्डर है चिलोनिया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आएगा, टर्टल है ना, तो लिख लो आप लोग यहां चाहो एग्जांपल इसके टर्टल, ठीक है, क्लियर है। टेरापिन्स, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें जो देखने को मिलेगा। अब इनका एक स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लो आप लोग। तो डॉर्सल साइड पे और वेंट्रल साइड पे, दोनों साइड पे इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इस तरीके से हम देखेंगे इनका स्ट्रक्चर होता है,
है ना। अब डॉर्सल साइड जब हम लोग देख रहे हैं, ये इनके ऊपर क्या होता है, एक आर्मर्ड प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है, बहुत हार्ड कवरिंग होता है। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे, याद आया कुछ, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो ऊपर डॉर्सल साइड पे जो कवरिंग, इसको बोल रहे हैं कैरापेस। क्या बोल रहे हैं, कैरापेस। तो ये क्या कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हार्ड प्रोटेक्टिंग कवरिंग, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। अब वेंट्रल साइड पे आप आ जाओ, वेंट्रल साइड में हम लोग देखेंगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इस वेंट्रल साइड पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्लेस्ट्रॉन, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्लेस्ट्रॉन, ठीक है, प्लेस्ट्रॉन, ठीक है। तो ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होंगे, तो ये दोनों तरफ से क्या प्रोटेक्टेड है, क्लियर है आपको। अब इनमें देखो क्या होता है, कुछ टर्टल होंगे, जैसे वो क्या है आपका, जो कार्निवोर्स हो सकते हैं, ठीक है, और जो फ्लैश ईटर हो सकते हैं, ठीक है, टेस्टुडो वगैरह हुए, वो कैसे हैं आपके, हर्बीवोरस हैं, ठीक है। कुछ इसमें कैसे होंगे, सेमी एक्वाटिक होंगे, कुछ कैसे होंगे आपका, जो है हम बोल सकते हैं कि वो पूरा एक्वाटिक रीजन में रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों को देखना है किसमें, चिलोनिया में, और चिलोनिया में आएगा कौन आपका, टर्टल वगैरह आएंगे, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं जो है डायप्सिडा की। डायप्सिडा में हमने बोला रिंकोसिफेलिया, स्क्वामेटा, क्रोकोडिलिया, तीन इसके ऑर्डर हमने बताए। तो रिंकोसिफेलिया की जब आप बात करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैसे इंपॉर्टेंट है रिंकोसिफेलिया, यहां पर एक एग्जाम्पल इसका होता है, वो आपको याद रखना है। एग्जाम्पल इसका कौन सा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्फिनोडॉन। क्या बोलेंगे, स्फेनोडॉन, ठीक है। और स्फेनोडॉन जो होता है उसका कॉमन नेम होता है टुआ तारा। क्या बोलेंगे, टुआ तारा। अभी इसके बारे में डिटेल स्टडी करूंगा उधर, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें आते हैं लेसर्टिलिया और ओफिडिया में। लेसर्टिलिया में कौन आता है, लिजार्ड्स आती हैं। तो जितनी भी लिजार्ड्स हैं बहुत सारी, वो भी मैं आगे बताता हूं आपको। और ओफिडिया में कौन आता है, स्नेक आते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, जो क्रोकोडिलिया है इसमें कौन आएगा आपका, तो देखो आप लोग, क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड ग्रेविलिस, ठीक है। तो तीन इसके इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं क्रोकोडिलिया में, ठीक है। ये अभी सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आप लोग ये नोट कर लो, ठीक है, इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे कौन सा, जो आपका ये है रिंकोसिफेलिया, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ये नोट करिए फटाफट। तो बात करते हैं बेटा यहां पर रिंकोसिफेलिया की। तो रिंकोसिफेलिया के केस में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं, पहली बात ये कैसे हैं, दे आर द लिविंग फॉसिल, और लिविंग फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें अभी तक कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं देखा गया है, उनको हम लोग क्या बोल रहे थे, लिविंग फॉसिल्स बोल रहे थे, ठीक है। सब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ही बताया मुझे, ठीक है। तो लिविंग फॉसिल्स हो गए। उसके बाद में बेटा यहाँ पर रिंकोसिफेलिया में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक थर्ड आई प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, थर्ड आई प्रेजेंट होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं पेरेटल आई। पेरिटल आई, ठीक है। तो जो पेरिटल आई है या थर्ड आई है, ये मॉडिफिकेशन किसका है, लोग बोलते हैं पीनियल ग्लैंड का, ठीक है। और पीनियल ग्लैंड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे पढ़ोगे आप लोग फिजियोलॉजी में इसके बारे में, अभी ज्यादा नहीं हमको डिस्कस करना है। एक्चुअल में ये मेलाटोनिन वगैरह निकालता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो थर्ड आई होगी इसकी, ये कैसी होगी, इट इज फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल होगी। और इसमें रोल क्या प्ले करेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये क्या करेगी, इसमें
ये शो करेगी फोटोपीरियोडिज्म। ठीक है, यानी कि ये आई डिटेक्ट करेगी किस टाइम पे क्या करना है उस इंडिविजुअल को। फोटो मतलब जो सन होगा उसकी रेस को ये डिटेक्ट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी पीरियोडिसिटी को जो है उसको मेंटेन करेगा। दूसरी बात, आप कहोगे सर ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। कहाँ की? ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे? न्यूजीलैंड में पाए जाएंगे। तो वहां पर आप लोग देख सकते हो इनकी कुछ स्पेसिफिक बातें हैं, रिंकोसिफेलिया या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टुआ तारा। ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी कोई डाउट तो नहीं है? और इसका पिक्चर भी डाल के देख सकते हो तो आपको थर्ड आई बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। ठीक है, पिक्चर कुछ इस तरीके से होता है। मैं यहाँ पर ज़्यादा, मेरे पास टाइम है नहीं, नहीं तो ज़रूर आपको बना के दिखाता, है ना? ऐसे इस तरीके से यहाँ पर आई, दो आई ये होंगी, एक आई ये होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी बातें आप लोग याद रखना इसको। अब बेटा आते हैं, बात करते हैं स्क्वामेटा की। स्क्वामेटा में लेसर्टिलिया ओफिडिया दो हमने बोला। अब ये बात आप लोग याद रखना कि स्क्वामेटा जो है वो क्या है, हमारा ऑर्डर है और उसके दो सब ऑर्डर हैं, यानी कि स्क्वामेटा अगेन डिवाइडेड इनटू टू सब ऑर्डर। वो क्या है, लेसर्टिलिया एंड ओफिडिया। लेसर्टिलिया में हम लिजर्ड का स्टडी करते हैं और इसमें हम लोग किसका करते हैं, स्नेक का करते हैं। अब अगर हम लिजर्ड का स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द सोरोलॉजी। तो इसमें हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ लिजर्ड। स्टडी ऑफ लिजर्ड को क्या बोलेंगे, सोरोलॉजी। ठीक है, ऐसे ही है ओफिडिया की हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें स्नेक का स्टडी करते हैं इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सर्पेंटोलॉजी। क्या बोलेंगे, सर्पेंटोलॉजी। क्लियर है? एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं आपको एग्जाम्पल्स नहीं भूलने, चाहे बाकी चीजें आपको कैरेक्टर्स तो याद ही रखने हैं वो भी नहीं भूलने हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आ जाते हैं बेटा हम लोग एग्जाम्पल पे। पहला एग्जाम्पल आप लोग कॉमनली जो देख रहे हो अपने आसपास में उसको ले लेते हैं, हेमीडेक्टाइलस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द वॉल लिजर्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, वॉल पे जो रहने वाली लिजर्ट होती है ना, घुमा करती, वो हेमीडेक्टाइलस। इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारा है हेमीडेक्टाइलस के बाद में, उसको आप लोग देखो यहां पर लिखो फ्रैनोसोमा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्न टोड। लिजर्ड ही है, ठीक है, तो टोड का मतलब वो मत आप पहुंच जाना वहां पर। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं इसके बाद में हेलोडर्मा। ये बेटा आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है हेलोडर्मा। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं उसको, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं एक अकेली ऐसी लिजर्ड है जो कैसी है, पॉइजनस है। कैसी है, पॉइजनस है, पी फॉर पॉइजनस। तो इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, गीला मोनिस्टर। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका ड्रैको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, ड्रैको। और ड्रैको को हम लोग बोलते हैं क्या है, इट इज अ फ्लाइंग लिजर्ड। ठीक है, उसके बाद आता है वेरनस। इसको हम लोग बोलते हैं वेरनस को मोनिस्टर। ठीक है, वेरनस के बाद में आता है एक और एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैमेलियन। ठीक है, क्या है, कैमेलियन। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्री लिजार्ट है ये। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अब जो है इनके केस में। ओफिडिया हमने बोला कि यहाँ पर क्या, स्नेक का स्टडी हमको करना है। ठीक है, तो स्नेक में आप लोग देखोगे उनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर क्या होगा, टिम्पैनम, टिम्पैनम अब्सेंट होगा। ठीक है, मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं। ठीक है, टिम्पैनम अब्सेंट होगा। उसके बाद में आप लोग देखोगे यहां पर कॉलुमेला होगा। कॉलुमेला एक बोन होता है, ठीक है, जो वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता है। किसको डिटेक्ट करेगा,
वाइब्रेशंस को, वाइब्रेशन आर डिटेक्टेड, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखोगे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होंगे, स्केल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और स्केल्स को देखकर हम स्नेक्स को पहचान भी सकते हैं वो पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है। उसके बाद स्नेक्स के बाद में यूरिनरी ब्लैडर वो अब्सेंट होगा, यहां पर यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, अब्सेंट होगा। उसके बाद में आईलेट्स अब्सेंट होंगी, अगर मान लो अब्सेंट नहीं है प्रेजेंट भी होंगी तो वो कैसी होंगी, इमोबाइल, यानी कि वो मूव नहीं कर पाएंगी। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, उनको आप जरूर याद रखना, बाकी सब चाहे भूल जाना। वो कौन से हैं, यहां पर मैं अलग दूसरे पेन से लिखे दे रहा हूं, दो उनके करेक्टर्स हैं स्नेक्स में। एक को हम लोग बोलते हैं फैंग, क्या बोलते हैं, फैंग, और दूसरी होती है हमारी पॉइजनस ग्लैंड। ठीक है, तो पॉइजनस ग्लैंड और फैंग दोनों हम लोग देखते हैं। फैंग हम लोग देखते हैं, ये मॉडिफिकेशन होता है किसका, मॉडिफिकेशन ऑफ मैक्सिलरी टीथ। तो यहां पर लिख लोगे आप लोग मॉडिफिकेशन ऑफ मैक्सिलरी टीथ, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिकेशन ऑफ मैक्सिलरी टीथ। पॉइजनस ग्लैंड जो होती है वो किसका मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, दो बातें याद रखनी है। तो टीथ जो होगा मैक्सिलरी टीथ होगा, उसका मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, फैंग। फैंग क्या है, जब आप लोग देखो ना स्नेक को तो उसके अंदर क्या होता है, एक जो है इस तरीके का, जैसे हम लोग देखें ये मान लो स्नेक है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक टीथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहां पर नुकीला सा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, फैंग है। उसके बाद यहीं पे लगी होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ऐसे ऐसे, इनको हम लोग बोलते हैं पॉइजन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड हो जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड किसमें, पॉइजनस ग्लैंड में, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब स्नेक्स भी दो तरीके के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक तो आपके कौन से होते हैं, पॉइजनस, और दूसरे कैसे होते हैं, नॉन पॉइजनस, ठीक है। तो उनका भी मैं आगे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। क्रोकोडाइल में आते हैं क्रोकोडिलिया, एलिगेटर एंड गैबेलिस, क्लियर है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी, किसके केस में, इस रेप्टाइल्स के केस में। ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है स्क्वामेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा यहां से आते हैं, और कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्फिनोडॉन से भी, ठीक है, क्लियर, नोट करिए। तो मैंने बोला था अभी आप लोगों को कि अब स्नेक का मैं बताऊंगा कि दो तरीके के होते हैं, पहले जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पॉइजनस, और दूसरे जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन पॉइजनस, ठीक है। तो यानी कि ये कैसे स्नेक होंगे, पॉइजनस होंगे, और ये कैसे होंगे, दे आर द नॉन पॉइजनस। अब इनके एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके नाम आपको याद ही रखने हैं। तो पहला एग्जाम्पल है नाजा नाजा, ठीक है। इनके केस में अगर देखें, नाजा नाजा आप लोग देखे भी होंगे, कैनाबोलिक होते हैं, यानी कि कैनाबोलिक का मतलब क्या है, ईट दियर फेलो, ठीक है, अपने ही साथियों को ये खा जाते हैं भूख लगने पे, ठीक है, जो छोटे बच्चे वगैरह होते हैं। दूसरा हमने देखा इनका जो हुड होगा वो क्या है, इट इज द एक्सपेंशन ऑफ नेक, जो इनका हुड होता है आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से ये हुड बनाते हैं हम लोग, ऐसे है ना, ये ऐसे ही तो होता है ना हुड, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज द एक्सपेंशन ऑफ नेक, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इनका जो थर्ड लेबियल स्केल होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा। तो थर्ड लेबियल स्केल होगा जो इनका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, अगर आप लोग देखो ऐसे इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है लेबियल स्केल होगा ये थर्ड वाला होगा, ठीक है, ऐसे इस तरीके, तो ये लार्ज होगा, है ना। तो ये एक पहचान है इसकी, इनको वैसे वो तो ऐसे भी पहचान लेते हैं हम लोग, लेकिन थर्ड लेबियल स्केल इसका जो होता है वो लार्ज होता है।
दूसरा उन्होंने होता है बंगेरस या करैत, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ये भी टॉक्सिक होता है। दूसरी बात क्या होता है, इसको पहचानेंगे हम लोग कैसे, इसका जो मिड डॉर्सल रीजन है, मिड डॉर्सल रीजन का मतलब क्या है, अगर आप इस तरीके से देखो, ये वाला इसका डॉर्सल रीजन है, ये वाला मिड रीजन है, मिड डॉर्सल रीजन। तो मिड डॉर्सल रीजन पे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैसे स्केल्स होंगे, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ हेक्सागोनल टाइप ऑफ स्केल्स, तो इस तरीके के कुछ स्केल्स हमको देखने को मिलेंगे उसके बॉडी के ऊपर, ऐसे बना सकते हो आप। ठीक है, तो अगर इस तरीके के स्केल्स मिल रहे हैं मिड डॉर्सल लाइन पे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, बंगेरस या करायत हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये नॉक्टर्नल होते हैं, रात में ही निकलते हैं। इनमें जो फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल होता है वो लार्जेस्ट होता है, यहां पर क्या था थर्ड लेबियल, यहां पे क्या था फोर्थ इंफ्रा, तो दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है। तो बंगेरस में क्या होगा, फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल जो होगा वो बड़ा होगा, लार्ज होगा। नेक्स्ट आते हैं वाइपर, तो वाइपर दो तरीके के होते हैं, एक जो है पिट वाइपर होते हैं, एक बिना पिट के पिटलेस होते हैं, तो ये वीवी पैरिटी भी शो करते हैं। इनका जो हेड होगा वो थोड़ा अलग होगा, वो हेड इनका कैसा होगा, इट इज़ अ ट्रायंगुलर शेप, तो इस तरीके का हमको इनका ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हेड में। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब आते हैं पिट वाइपर की बात करते हैं, हमने बोला ना एक पिटलेस वाइपर या एक पिट वाइपर, तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं लोरियाल पिट, क्या बोलेंगे लोरियाल पिट। तो लोरियाल पिट में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, यहाँ पे क्या होगा, एक पिट प्रेजेंट होता है, यहाँ पर नॉस्ट्रिल वगैरह होगा, और यहाँ पर क्या है आपका एक पिट प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोरियाल पिट। ये लोरियाल पिट जो होता है इसका काम क्या होता है, तो ये क्या है थर्मोसेंसरी स्ट्रक्चर है या थर्मोसेंसरी ऑर्गन है, और थर्मोसेंसरी ऑर्गन है तो वो क्या करेगा टेम्परेचर वगैरह को डिटेक्ट करेगा। तो पिट वाइपर का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो वो कौन सा होता है एंसिस्ट्रोडॉन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कौन एंसिस्ट्रोडॉन या पिट वाइपर, क्लियर है। अब आगे देखते हैं हाइड्रोफिश की बात करते हैं। हाइड्रोफिश में बेटा देखेंगे इसको हम लोग कहते हैं सी स्नेक, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, दूसरी बात इनके केस में क्या होगा, इनका जो टेल होगा, जो इनका टेल होगा वो कैसा होगा लैटरली कंप्रेस्ड होगा। टेल उनका कैसा होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इनका जो टेल होगा वो कैसा होगा लैटरली कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड क्यों होगा, क्योंकि उसको किस में हेल्प करेगी, स्विमिंग में हेल्प करेगी, क्योंकि ये कहाँ रह रहे हैं सी वाटर में, तो ये स्विम करेंगे किसके थ्रू, लैटरल जो है जो टेल है उसके थ्रू स्विमिंग करेंगे। दूसरा हम लोग बोलते हैं क्रोटेलस या रैटल स्नेक, तो क्रोटेलस या रैटल स्नेक का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। इनका जो पूंछ होता है वहां पर एक स्ट्रक्चर होता है, मॉडिफिकेशन होता है, एक झुंझुना टाइप में लगा होता है ना बजाने वाला, तो ये जब चलता है तो आवाज आती है चुनुन चुनुन की, है ना। तो ये जो पार्ट है इसका, जो स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से ये क्या करता है आवाज प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द रैटल स्नेक या क्रोटोलस। ठीक है, क्रोटोलस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉइजन। अब दो तरीके का होता है, जो पॉइजन होता है वो दो तरीके का, एक होगा न्यूरोटॉक्सिक, दूसरा होगा हीमोलिटिक। न्यूरोटॉक्सिक में हम लोग देखेंगे ये एक्शन कहां पर करेगा, एक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, यानी कि ये तुरंत जाके कहां पे एक्ट करेगा, हमारे नर्वस सिस्टम पे जाके एक्ट करेगा। इनके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, कोबरा, करैत, सी स्नेक, कोरल स्नेक, सारे एग्जांपल आपको याद रखने हैं न्यूरोटॉक्सिक के। या ऐसे याद रख सकते हो हीमोलिटिक जो होगा वो कौन होगा, वाइपर वेनम, यानी कि वाइपर जो होंगे वो हीमोलिटिक होंगे। हीमोलिटिक का मतलब क्या है, ये जैसे ही ब्लड में जाएगा तो आरबीसीज जो है उनको ब्रेक कर देगा, है ना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द हीमोलिटिक। अब आते हैं बेटा नॉन पॉइजनस में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पाइथन की, अजगर की। ये क्या है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज है, इसका साइज बड़ा होता है। दूसरी बात, यहां पर पेल्विक गर्डिल हमको प्रेजेंट दिखेंगी,
इसी वजह से ये एग्जाम्पल था लैमार्क का। लैमार्क ने क्या बोला था कि जो ऑर्गन हम यूज करते हैं वो तो आगे डेवलप होता है अच्छे से, लेकिन जो यूज करना छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वेस्टिजियल बन जाता है, जब काम नहीं रह जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला था लैमार्क ने कि जो स्नेक्स थे उन्होंने क्या किया, जब उनको नीड नहीं बची, जो पैर थे जो लिम्स थे तो उन्होंने अंदर जो है या घुस रहे थे जब बिल में तो उनको प्रॉब्लम हो रहा था, या झाड़ियों में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया अपने लिम्स को अंदर जो है लेना स्टार्ट किया, ऐसे करना स्टार्ट किया, जिसके वजह से क्या हुआ धीरे धीरे ड्यू टू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन क्या हुआ, जो पैल्विक जो आपका लिम्स थे वो खत्म हो गए, लेकिन पैल्विक गर्डिल से ही लिम्स निकलते हैं। जैसे एक होता है ना पेक्टोरल गर्डिल और पैल्विक गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल होता है वहां से ये रीजन जो शोल्डर वाला होता है जहां से फोर आर्म्स निकलते हैं, और जो पेल्विक रीजन होता है वहां से क्या निकलते हैं, वहां से निकलते हैं आपके हाइंड लिम्स। तो ये जो पेल्विक गर्डिल था ये यहां पर पाइथन में प्रेजेंट देखने को मिल रहा था हमें, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि यहां पर प्रेजेंट था विस्टिजियल ऑर्गन था। तो ये एग्जांपल किसका हो गया आपका लैमार्क का, तो यहां पर आप लोग याद रख लो आगे काम आएगा, लैमार्क का एग्जाम्पल है। पाइथन कैसा है, ये भी कैसा है, नॉन पॉइजनस है। उसके बाद आते हैं ब्लाइंड स्नेक, ठीक है, इरेक्स, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, या इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं बोआ या धमनी, ठीक है, सॉरी बोआ या दुमही, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलते हैं, एक और एग्जांपल है कॉमनली बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वो है ट्रोपिडोनोटस। ट्रोपिडोनोटस जो होता है उसको हम बोलते हैं पाउंड स्नेक, और ये कहां रहते हैं, पाउंड में रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो वेनम है उसके अगेंस्ट एंटी वेनम बनाने की, तो ये जो एंटी वेनम बनाने वाले जो इंस्टीट्यूट हैं अपने इंडिया में, दो बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट हैं एंटी वेनम बनाने के लिए, एक है हॉफकिंस इंस्टीट्यूट बंबई और दूसरा है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, ये हिमाचल में प्रेजेंट है, कहाँ है, हिमाचल में, ठीक है। तो दोनों इंस्टीट्यूट हैं वो क्या करते हैं, एंटी वेनम तैयार करते हैं, ठीक है। अब इनमें एक दो और रिप्रेजेंटेटिव थे जो लिजर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव में हम लोग दो जो है इंडिविजुअल्स लेंगे, एक होता है आपका ड्रैको जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फ्लाइंग लिजार्ड, और दूसरा जो है वो कौन सा है आपका, कैमिलियन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमिलियन के केस में अगर हम बात करें तो कैमिलियन आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक नहीं देखा है तब भी आप सर्च कर सकते हो एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा उसको जो है मतलब जो है जगह जगह पे हमको दिख मिल जाएगा देखने को, है ना, बहुत ज़्यादा फैमिलियर इंडिविजुअल है स्नेक का ये, ठीक है, और कहीं कहीं एग्जाम्स में पूछा भी बहुत ज़्यादा ये जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले लिजार्ट में दो एग्जाम्पल हमें बताने हैं वो मैं बता देता हूँ। तो लिजार्ट में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कैमिलियन की कर लेते हैं, ठीक है। तो कैमिलियन में हम लोग क्या देखेंगे, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, बड़ा सा ही होगा। दूसरा यहां पर ये इसका क्या है, टंग, ठीक है। तो प्रोट्यूसिबल टंग होगा, कैसा टंग होगा इसके पास, प्रोट्यूसिबल टंग। अब प्रोट्यूसिबल टंग का मतलब कैसे है, आप लोग फ्रॉग को देखते हो बैठा होता है, जबान अपनी जो है टंग को बाहर फेंक देता है और क्या करता है, उसके पास कुछ स्टिकी सबस्टेंस होते हैं, यहाँ पर क्या होगा, स्टिकी मटेरियल होते हैं, और वो स्टिकी मटेरियल क्या करते हैं, जो प्रे होगा यहाँ पे, मान लो घूम रहा है यहाँ पे, ये प्रे है कोई ऐसे, इसको अंदर करना है तो ये तुरंत चिपक जाएगा इसके साथ, और ये क्या करेगा, इसको खा लेगा, पहली बात ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो प्रोट्यूसिबल टंग हो गया एक कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर क्या है, जब हम बात करेंगे इसके मिमिक्री की, मिमिक्री मतलब चेंज करना, तो ये क्या करता है, जब भी इसको लगेगा कि छिपना है हमें तो ये क्या करता है, कलर चेंज कर लेता है, क्या करता है, कलर चेंज कर लेता है। तो दूसरा इनके पास जो कैपेबिलिटी वो क्या है, कलर चेंजिंग की या कॉम्बोफ्लेस करने की, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर तीसरा जो है वो क्या है, प्रीहेंसाइल टेल,
तो प्रीहेंसाइल टेल के थ्रू ये क्या करते हैं, किसी भी ट्विंग में चिपक जो है ऐसे क्या करते हैं, ये चिपक जाते हैं ठीक है आराम से और लटके रहते हैं। तो ये कैमलियन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग इमेज में सर्च कर लेना, देख लेना। दूसरा हमने जो एग्जाम्पल बताया था ड्रैको, तो ड्रैको में हम लोग क्या देखेंगे, वो क्या है, हम लोगों ने बोला कि वो एक ऐसा लिजर्ट है जो क्या करता है, फ्लाई करता है ठीक है। तो फ्लाइंग का मतलब क्या है, ग्लाइडिंग करने से ठीक है, और कुछ नहीं है। तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये जो ड्रैको होती है, आप लोग डायग्राम देख लेना, ड्रैको को हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग लिजर्ड, जंगलों में हमको ग्लाइडिंग करते हुए देखने को मिल जाती है। तो अभी तक हमने फ्लाइंग फिश भी पढ़ा था, वैसे यहाँ पर फ्लाइंग लिजर्ड भी है ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक बच्चों, तो आप लोग इमेजेस जरूर एक बार इंटरनेट पे देख लीजिएगा और ज़्यादा फैमिलियर हो जाओगे। अब नेक्स्ट जो आगे अगला टॉपिक हमारा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एप्स है ना, या बर्ड्स ठीक है। तो अभी तक आप लोग तैयार करिए इसको अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।